इस सेशन में डिस्कस करेंगे फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ JVM कॉल्ड एज क्लास लोडर इन डिटेल्स। मीन्स मैं ऑलरेडी JVM प्रोसेस कम्प्लीटली डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन इस केस में JVM के थ्री सेशंस क्लास लोडर, बाइट कोड वेरीफायर एंड जावा इंटरप्रेटर, इन थ्री सेशंस को वन बाई वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स, बिकॉज ये फैक्टर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग आर्किटेक्चर ऑफ JVM। अगर आपको JVM आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर है, प्लस पाथ और क्लास पाथ के मीनिंग्स बहुत अच्छे से क्लियर है डेप्थ में, देन आपको जावा के केस में फ्यूचर सेशन में कभी भी कोई सिंगल प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस नहीं हुए। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा ये सारे के सारे वीडियोज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हैं। फर्स्ट वन, प्रीवियस केस में डिस्कस किया, जब आप कोई भी जावा प्रोग्राम क्रिएट करोगे तो इनिशियली जावा प्रोग्राम सोर्स फाइल के फॉर्म में स्टोर है और सोर्स फाइल परमानेंटली अवेलेबल होगा इन द फॉर्म ऑफ हार्ड डिस्क मेमोरी। नेक्स्ट वन, ये सपोज दैट इन इस केस में एक सिंपल जावा प्रोग्राम है, एग्जांपल यूज किया जाए स्यूडो कोड नॉट अ एक्चुअल कोड। इस केस में मीन्स एक्चुअल कोड किस टाइप से क्रिएट करेंगे, कंपाइल करेंगे, सारे प्रोसेस भी मैं आगे के बनवाई में एक्सप्लेन करूंगा। करंटली मैं सिंपली एक क्लास डिक्लेयर किया जाए, क्लास नेम है सैंपल, प्लस इस सैंपल क्लास के अंदर क्या है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन विद आर्गुमेंट स्ट्रिंग आर्गुमेंट। इन इस केस में कॉन्सोलिडेट करना ओनली दिस टू स्टेटमेंट, मीन सिंपली इन स्टेटमेंट्स के थ्रू क्रिएट किया हो रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट क्लास। एज्यूम कर लो पॉइंट और डेमो एग्जिस्टिंग क्लास हो सकते हैं या फिर नॉन एग्जिस्टिंग क्लास, मीन दोनों ही फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे एज अ एग्जिस्टिंग और एज अ नॉन एग्जिस्टिंग। फर्स्ट केस में एज्यूम करके चल रहा हूँ पॉइंट क्लास डेमो क्लास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, डेमो इज एग्जिस्टिंग, लेकिन एज्यूम कर लो पॉइंट क्लास कैसा है नॉन एग्जिस्टिंग क्लास। तो अगर डेमो क्लास एग्जिस्टिंग है तो हार्ड डिस्क के अंदर डेमो क्लास के रिस्पेक्ट में अवेलेबल क्या होना चाहिए डेमो डॉट क्लास फाइल। सपोज डेमो डॉट क्लास फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन जैसे इस केस में कंपाइलेशन किसका करेंगे कंपाइलेशन ऑफ सैंपल, और एज्यूम पॉइंट डॉट क्लास फाइल इज ऑलरेडी इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग, दोनों ही क्लास फाइल अवेलेबल हैं। इसके जस्ट बाद जब जावा सी कमांड के थ्रू इस केस में जावा सी कमांड फॉलो करेंगे लाइक दैट जावा सी देन क्लास नेम है सॉरी फाइल नेम है सैंपल डॉट जावा, जावा सी कमांड के साथ हमेशा सप्लाई क्या होता है फाइल नेम विद एक्सटेंशन। जैसे इस कमांड को सप्लाई करें कंपाइलेशन प्रोसेस अगर सक्सेसफुली परफॉर्म होता है देन उसके इसमें न्यू फाइल क्रिएट होगा एज अ सैंपल डॉट क्लास फाइल, सैंपल डॉट क्लास फाइल्स। क्लियर, इस प्लेस पर कंसिडर कर रहा हूँ एज अ कमांड प्रॉम्प्ट। मीन्स उसके जस्ट बाद जब जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो कमांड कौन सा यूज करेंगे जावा, प्लस इस कमांड में सप्लाई क्या करेंगे क्लास नेम। करेंटली किस क्लास को एग्जीक्यूट करना, मेन फंक्शन किस क्लास के अंदर सैंपल के अंदर, तो इसलिए क्लास नेम भी क्या पास करेंगे इस केस में सैंपल क्लास। इसे आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स है, मीस मैं इसे एनवायरनमेंट को कंसिडर करना है जब प्रोसेस है, लेकिन एज्यूम कर लो प्रोसेस इंटरनली यूज करें हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बाई यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। इस कमांड प्रॉम्प्ट के फॉर्म में डिस्प्ले कर रहा हूँ जावा कमांड सप्लाई करोगे बाई यूजिंग फॉलोड बाई सैम्पल क्लास नेम। इस केस में जैसे ही जावा कमांड एग्जीक्यूट होगा जावा कमांड का वर्किंग क्या रहता है जावा या कमांड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग ओएस फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के जस्ट बाद जावा कमांड लोड किसको करेगा JVM को, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। जावा या कमांड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग JVM फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। जैसे JVM लोड होगा देन इस केस में सबसे पहले JVM का कौन सा मॉड्यूल एक्टिवेट हो रहा है क्लास लोडर। क्लास लोडर का वर्किंग क्या होता है था लोडिंग गिवन क्लास फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। इसमें मैं फाइनली इस केस में डिस्कस करना चाहता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो क्लास डेफ फाउंड एरर और क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शंस। दैट्स व्हाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन डिटेल्स क्लास लोडर। मीन्स फर्स्ट सिंपल थिंग्स, क्लास लोडर का सिंपल वर्क क्या है लोडिंग गिवन क्लास और रिक्वायर्ड क्लास फाइल और रिक्वायर्ड बाइट कोड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। और जब भी आप कोई बाइट कोड हार्ड डिस्क से रैम में लोड करोगे उस केस में आपके लिए कई सारे वे पॉसिबल होंगे आइदर बाय यूजिंग जावा कमांड। फर्स्ट केस में यूज करो जावा कमांड, जावा कमांड इनिशियली यूज किया करा सैंपल। तो सबसे पहले इनिशियल लेवल पर कौन सा क्लास रिक्वायर्ड है सैंपल क्लास। तो इस केस में लोड किया हुआ सैंपल फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। Suppose that sample class is loaded. इस sample dot class file का byte code load कहाँ हो चुका है from hard disk to RAM. इस किस format में in the form of byte code format. दूसरा possible case क्या होता है अगर मैं इस place पर किसी ऐसे class का name supply करता हूँ जो class non existing है जिस class का class path available नहीं है. Like we are using some class name as A. और क्लास नेम एज होम एनी क्लास नेम। इस केस में एज्यूम कर रहा हूँ ओनली थ्री क्लास अवेलेबल है डेमो पॉइंट और सैंपल, लेकिन मैं किस क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ ए, लेकिन ए क्लास लोडर के थ्रू लोड करना पॉसिबल नहीं बिकॉज ए इज अ नॉन एग्जिस्टिंग क्लास।
या फिर क्लास पाथ में अवेलेबल नहीं है। अगर ए नॉन एग्जिस्टिंग क्लास देन लोड करना पॉसिबल नॉट पॉसिबल, देन इस केस में इस टाइप की सिचुएशन में रेज क्या होगा, नो क्लास डेफ फाउंड एरर। नो क्लास डेफ फाउंड एरर ऑलवेज रेज होगा विद रिस्पेक्ट टू जावा कमांड, क्लियर। अगर जावा कमांड के रिस्पेक्ट में और ड्यूरिंग बिगिनिंग प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन और बिगिनिंग प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग जावा कमांड, जावा कमांड के रिस्पेक्ट में अगर जो भी क्लास आप सप्लाई करें, अगर ये क्लास नॉन एग्जिस्टिंग है, क्लास पाथ में अवेलेबल नहीं है, देन इस सिचुएशन में स्पेशली रेज होगा नो क्लास डेफ फाउंड एरर। इसका फुल फॉर्म या मीनिंग क्या है, नो मीन्स इस टाइप के क्लास का कोई भी डेफिनेशन फाउंड नहीं हो रहा है, मीन्स डेफ मीन्स डेफिनेशन ऑफ सच क्लास इज नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट वन, लेकिन करंट केस में सप्लाई कर रहा हूँ एज अ सैंपल और सैंपल एग्जिस्टिंग क्लास है इसलिए सक्सेसफुली लोड होगा, मीन्स इस केस में किसी भी टाइप का कोई भी एरर रेज नहीं हुआ। लेकिन सैंपल क्लास लोड होने के जस्ट बाद जेवीएम इटसेल्फ कॉल क्या करेगा, मेन फंक्शन बाय यूजिंग दिस क्लास, मीन्स इंटरनली कॉल क्या होगा इससे, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन किस टाइप से प्रोसेस होता है, किस टाइप से कॉल होगा, ये सारी प्रोसेस में डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद जब मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो मेन फंक्शन के केस में भी यूज कर सकते हैं, मेन एज अ हेल्पर क्लास यूज किया कर रहा है, डेमो क्लास डेमो एंड पॉइंट, मीन्स मेन फंक्शन को मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड किया हुआ डेफिनेशन ऑफ डेमो डेफिनेशन ऑफ पॉइंट। अभी फर्स्ट केस में डेमो पॉइंट दोनों ही एग्जिस्टिंग क्लास कंसिडर किए, इसके जस्ट बाद जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ इसके रिस्पेक्ट में अगेन लोडिंग किसके लिए हुआ, सबसे पहले लोडिंग किसके लिए हुआ, सैंपल के लिए बिकॉज ऑफ जावा कमांड। सेकेंड केस में लोडिंग किसके लिए हुआ, डेमो, मीन्स ये जरूरी नहीं कि हमेशा केवल जावा कमांड के साथ जो क्लास ने सप्लाई किया केवल यही क्लास लोड हुआ, मीन्स जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के केस में या फ्रेश करने के रिस्पेक्ट में जितने भी क्लासेस इंटरनली जो रहे वो सारे के सारे क्लास लोड होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इस केस में जावा प्रोग्राम इंटरनली यूज क्या कर रहा है, डेमो क्लास। तो नेक्स्ट लेवल पर लोडिंग किसके लिए हुआ, डेमो डॉट क्लास फाइल्स, डेमो डॉट क्लास फाइल। देन उसके बाद करंट स्टेटमेंट या सेकेंड इंस्ट्रक्शन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट केस में लोड मीन्स अगेन यूज क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट क्लास। इन पॉइंट क्लास के रिस्पेक्ट में पॉइंट क्लास ऑलरेडी रैम मेमोरी में लोड है क्या, नहीं। नेक्स्ट लेवल पर अब लोडिंग किसके लिए हुआ, पॉइंट मीन्स जितने भी क्लासेस नेम या क्लास नेम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होंगे सारे के सारे क्लास लोड होंगे। इस सेम प्रोसेस को मैं डिस्कस करूँगा इन डिटेल्स ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ फोर नेम मेथड। मीन्स अब पॉइंट के केस में, इस केस में मीन्स प्रीवियस केस में डेमो को मैंने एज्यूम किया था एज एग्जिस्टिंग, बट सपोज दैट पॉइंट डॉट क्लास फाइल नॉन एग्जिस्टिंग क्लास है, मीन्स प्रोग्राम के अंदर तो पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ट्राई करें, लेकिन पॉइंट क्लास रिमूव हो चुका है, डिलीट हो चुका है, क्लास पाथ लोकेशन में अवेलेबल नहीं है। देन लेकिन जेवीएम के रिस्पेक्ट में इस मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड किया है फंक्शनैलिटी ऑफ पॉइंट, लेकिन पॉइंट अगर नॉन एग्जिस्टिंग क्लास है, मीन्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, एग्जीक्यूशन मिडिल प्रोसेस में, मिडिल प्रोसेस में अगर कोई भी क्लास रिक्वायर्ड है और इस टाइप का क्लास अगर फाउंड नहीं होता है, देन उस केस में रेज होगा सेकंड एक्सेप्शन। मीन्स फर्स्ट केस में क्या था, एरर, सेकंड केस में क्या है, एक्सेप्शन। किस टाइप का एक्सेप्शन है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसे दोनों के डिफरेंसेस को प्रॉपरली समझना होगा। अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा है यूजिंग जावा कमांड, मीन्स जावा कमांड के केसेस में अगर कोई भी क्लास फाउंड नहीं होता है, रिक्वायर्ड क्लास अवेलेबल नहीं है, उस केस में क्या रेज होगा, नो क्लास डेफ फाउंड एरर। लेकिन अगर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के जस्ट बाद, मीन्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, दो केस हैं, एक तो बिगिनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन और दूसरा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। बिगिनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन इज विद जावा कमांड, अगर जावा कमांड के रिस्पेक्ट में बिगिनिंग प्रोसेस में इनिशियली कोई क्लास अवेलेबल नहीं, देन रेज क्या हुआ उस केस में, नो क्लास डेफ फाउंड एरर। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, देन ये एग्जीक्यूशन के मिडिल प्रोसेस में अगर कोई भी रिक्वायर्ड क्लास या फंक्शनलिटी या बाइट कोड अवेलेबल नहीं, देन उस केस में क्या रेज होगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्लियर, इज द वर्किंग ऑफ क्लास लोडर। क्लास लोडर के थ्रू केवल याद रखना है, केवल वही क्लास लोड करना पॉसिबल होगा जिन क्लासेस का क्लास पाथ अवेलेबल है या क्लास पाथ सेट है। क्लास पाथ कैसे सेट करते हैं प्रोसेस में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। क्लियर, तो इस द ऑल अबाउट क्लास लोडर। सेम डायग्राम में कंटिन्यू करूंगा इन सेकंड केस विद सेकंड वर्किंग ऑफ जेवीएम कॉल्ड एज वाइट कोड वेरीफायर।